वेलकम बैक गाइज, एक और नए व्लॉग में। और भाई बताया था ना कल वाले व्लॉग में कि साहिल की एक जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाली सर्टिफिकेट वो नहीं बन रही यार, परेशान हो गए हम तो। कभी बोलता है कि वो कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम। आज भी जाके आया और अभी तक भी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन वो भाई बहुत अर्जेंट चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा एक बार और एक नई फाइल भी रेडी कर रहे हैं, तो उससे जाके मिलेंगे, फाइल रेडी करके लेके जाएंगे। अगर वो बोल देगा भाई मेरे से नहीं होगा तो दूसरे किसी के पास जाएंगे, उससे करवाएंगे, ये तो फिर देखते हैं भाई जो होगा। तो अभी फटाफट हम लोग निकल रहे हैं, मैं और साहिल दोनों ही जा रहे हैं। भाई हम लोगों को 20 तारीख से चक्कर काट रहे हैं, देख रहे हो कितने परेशान हो रखे हैं। चलो जाते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। आज भाई मेरी मम्मी ने तातो खा लिया। क्या मम्मी गड़ो हुई? मम्मी गले में दर्द हो रहा है। आज जो हमारे सीनियर टेलर है उन्होंने गद्दी चेंज कर ली। मौसी जी आप आ गए सीनियरिटी में, जा रहा था मैं एक बार उकने और के करा जाए कह रहा हूँ कहाँ साहिल नु कह रहा हूँ बोलो मैं बताऊँ थोड़ी देर में, फिर बताई तो हाथ खोने से बोल फाइल भर के लिया जहाँ सा जा, अगर वो कह गो तो ठीक से, अगमेर कन बन गए तो ना तो बोल फिर दूसरा कन करवा दे ठीक से कहा। फटाफट अब हम लोग निकल रहे हैं, मिलेंगे अगर रास्ते में टाइम लगा तो, नहीं तो अटेली जाके ही मिलेंगे अब। तो भाई जाके तो आ गए अटेली और अभी भी काम हुआ नहीं, एक काम अभी बैठा का हुआ है, तो देखते हैं हो जाएगा कल हो जाएगा शायद। और भाई रास्ते में इतनी खतरनाक धूल उड़ती है ना भाई, आँखें खोल ही नहीं सकते। आँखें ऐसी हो गई थी मेरी बिल्कुल, अब आते ही मुँह धोया है मैंने, मतलब इतनी गर्द और वो मिट्टी होती है ना वो इतनी उड़ती है कि ऐसा ऐसा लग रहा था कि आँखें फूट गई बिल्कुल। तो आते ही धोया हुआ है मैंने फेस वेस, आँखें धोई सबसे पहले तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो भाई ऑलमोस्ट टाइम हो गया 4:30, तो अभी 5:15 बजे जाऊँगा मैं बाहर, तब तक मैं फ़ोन चार्ज लगा लेता हूँ। तो फ़ोन चार्ज नहीं है बिल्कुल भी मेरा, तो कुछ 28% ही है। तो मिलते हैं शाम को ठीक है। अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 5:15 और फ़ोन भी अपना थोड़ा चार्ज हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। और तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, आज मैं लेके आया था, मैं नारनौल गया था तो मतलब मास्क लेना था, जाना था ना वहाँ पे, तो मास्क के लिए क्या क्या कि मेरे पास 500 का था, तो मैं कह यार 500 का, बोला भाई खुला पैसा दे मेरे को ठीक है। तो और कुछ तो दिखा नहीं, मैं ये ले आया सौंफ जो होती है ना मीठे वाली, तो ये भरा था और टेस्ट में मैं खा गया, आधी कर दी मैंने, देख रहे हो। अभी फिर थोड़ी सी खा लूँगा, तो अभी जा रहा हूँ मैं बाहर दोस्तों से मिलने। तो कुछ चल रही है हमारी प्लानिंग्स, तो देखते हैं अब जाके वहाँ पर बात करेंगे दो चार दोस्त और, कुछ तूफानी करने का आइडिया चल रहा है हमारा ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। हाँ तो भाई मैं बता रहा था ना सुबह से मम्मी बीमार थी, अरे फैन चलाना था लाइटों बंद कर दी, तो शाम को तो मैं दवाई ववाई दिला के ले आया था, इंजेक्शन लगवा के लाया था, चेस्ट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी लग रहा है फीवर आएगा मेरी मम्मी को पक्का। पैरासीटामोल लेके आया हूँ मौसी के यहाँ से, दे देता हूँ। कितनी देर मम्मी रोटी खाएं? 10 मिनट हुई है, तो और 10 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद यह दवाई दे देना, एक निकाल के दे देने इसमें। तो अब मम्मी फिलहाल हाथ पैर दुख रहे हैं और सर दर्द हो रहा है, एक दिया ना देखा कितने mg वाली है, देखूँ कितने mg है, 500 वाली है, 750 वाली होती है तो और बढ़िया होता। चल कोई ना, अब तो 650 सॉरी, पर चल ठीक अब जो है वो यही दे दिए। तो 650 वाली अच्छी होती है वो, मतलब और हैवी होती है ना, अच्छा जल्दी रिलीफ मिल जाता है उससे। तो अब लगता है भाई मम्मी का नंबर आएगा, और वायरल कैसा होता है, एक बंदे का हो गया ना घर में सबका ही नंबर आता है, तो मम्मी पहले भी मैंने पापा हुए पहले, पापा चल रहे हैं 2-3 दिन से, फिर अब मम्मी का नंबर आ गया, अब देखो किसका नंबर आता है। बाकी वैसे दवाई दे आके लेके आया था, मेरे को तो लग रहा था वो वैसे गैस वैस वाली प्रॉब्लम है, पूरा दिन हो गया था ना सुबह से, तो चेस्ट में पेन हो रहा था पहले तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ता है गया। इनो भी दे दिया और भी छोटी मोटी और दवाई थी जो घर में वो भी दे दी, फिर लास्ट में मांगा भाई रात को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इससे बढ़िया चलो शाम को, फिर मैं दिला के तो ले आया था, लेकिन वो ठीक हुई। तो अब ये फीवर वाला लग रहा है, तो मैंने कंसल्ट किया था, मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनसे जिनके पास लेके गया था, तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे। तो भाई तुम भी प्रिकॉशंस पूछने के बाद ही लिया करो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ले लिया पैरासीटामोल दे रहा हूँ मम्मी को तो तुम भी उठा के पैरासीटामोल, पहले एक बार कंसल्ट कर लो डॉक्टर से, अगर वो बोलता है तो ही दो। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि हाँ भाई एक जो टेबलेट थी वो मत देना, इसके अलावा ये दे देना, तो इसलिए दे रहा। तो भाई पपड़ी आई थी शाम को, इन सब ने तो खा ली, मेरी मेरी बची है।
तो अभी खा लेता हूँ, वरना फिर यार इनका टेस्ट ना खराब हो जाता है, फिर मजे नहीं आते। वैसे हो चुका होगा इनका, दिल्ली हो चुके हैं। अरे निकल जाए मेरे भाई, रुक यार फोन रखता हूँ। बिल्कुल गिल्ली है, मजा तो आएगा नहीं इनमें, तो सॉफ्ट में मजा आता है जब मतलब करारी होते हैं ना तब। मैं सोच रहा बाद में खाऊंगा, देखो क्या बन गया इनका। बिल्कुल देखो बिल्कुल मजा खराब हो जाएगा इनका। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जो पतासा, पानी का पतासा होता है ना, उसको बिल्कुल गीला करके खा रहे हो। टेस्ट तो आ नहीं रहा, लेकिन पहले खत्म हो जाता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो बनाते हैं ना, जिनके से लेके आए थे ये, तो अच्छे बनाते हैं, तो ठीक लग रही है। जैसा टेस्ट ऐसा आता है वैसा तो नहीं आ रहा, बट खा लेंगे, कर लेंगे सहन। तो फटाफट भाई मैं करता हूँ फिनिश, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मजा तो आया यार, लेकिन ना थोड़े गिल्ले हो गए, चम्मच से खाने पड़े भाई। पानी मस्त होता है इनका, लेकिन आज भाई मसाला कुछ ज्यादा ही, इसमें मीठी नहीं डल भाई यार, ये गड़बड़ हो गई। नहीं पिए जाएगा भाई, ज्यादा टेस्टी ज्यादा दिखा यार, खाना ही खाऊंगा मैं तो। पिया भी नहीं जा रहा है, पी भी गए, ये क्या है? पी तो लिया, चलन भी हो रही है, और तो चलन सुबह होगी ना तब लगेगा असली पता। तो क्यों पिया फिर, किसने कहा था? टेस्ट टेस्ट में तो अपनी अपनी जलन भी बर्दाश्त कर रहा चल ठीक है, खाना डाल दे भाई। दो तीन दिन पहले ना कमेंट आ रहे थे कि काजल नहीं आती, काजल नहीं आती आजकल। चलो भाई आ गई है काजल। काजल आजकल कहाँ बिजी रहती है, सूट सिलती है ना, सीख रही है सूट सिलने, सूट सिलती रहती है, तुरपाई करती रहती है। और वो क्या कलाकारी कर रही थी, वो क्या बनाए थे तूने उससे? हाँ कहाँ है वो, है यही है, लिख का दिखा। तो भाई ये कलाकारी करती रहती है आजकल, ये इसने पूरे हाथ से बनाए है ना। क्या क्या बनाया था? ये डोरी है, दो कलर की बाकी थी। हाँ ये सब ये इसने हाथ से बनाए थे भाई। तो ये और मम्मी दोनों आजकल कलाकारियों में लगी रहती हैं। कितना टाइम लगा इनको? 10-15 मिनट में पूरा। भाई टैलेंटेड होगी, मेरी मम्मी के साथ से रह रह के। कितनी खर्च हुई? इसमें 3 लग गई। अच्छा तो भाई आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक टाटा बाय।